रूस के कैमचात्का में दिन में ही उस वक्त अंधेरा छा गया जब वहां रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी शिवलेखू में भीषण विस्फोट हुआ और हर तरफ राख उड़ने लगी। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में ज्वालामुखी से निकली राख की मोटी परत जम गई। इस दौरान आसमान ऐसा दिखाई दिया मानो काले बादल छाए हों। ये ज्वालामुखी रूस के कैमचात्का प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसमें मंगलवार को भयंकर विस्फोट हुआ। देखते ही देखते ज्वालामुखी से निकली राख और धुएं से वहां पूरा आसमान काला हो गया। ज्वालामुखी फटने के बाद 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुबार छा गया, जिसकी वजह से वहां से उड़ने वाले विमानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। जैसे आसमान से बर्फ गिरती है, ठीक उसी तरह कैमचात्का के इलाकों में राख की बारिश होने लगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें जमीन पर राख की मोटी परत बिछी हुई नजर आई। मकानों से लेकर सड़कों तक और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर सिर्फ राख ही राख थी। रूस का एक बर्फीला इलाका किसी रेगिस्तान की तरह दिखाई दे रहा था। शिवलेखू ज्वालामुखी पिछले 10,000 सालों में 60 बार फटा है, जिनमें 2017 में हुआ विस्फोट भीषण था। कैमचात्का में इस वक्त बर्फ जमी हुई है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहां बर्फ की चादर पर 8 सेंटीमीटर से भी मोटी राख की परत जम गई और बर्फ के पिघलने का खतरा भी बढ़ गया। लिहाजा आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की गई और बताया गया कि विस्फोट के बाद बर्फ पिघलने से कैमचात्का में हाईवे की तरफ मिट्टी और कीचड़ बहकर आ सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट से कैमचात्का में दहशत फैल गई, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई और कई स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। कई जगह मशीन की मदद से राख हटाने का काम भी शुरू हो गया। इस दौरान राख की परत के नीचे बर्फ दिखाई दी। ज्वालामुखी विस्फोट के करीब 24 घंटे बाद कैमचात्का में 5.8 तीव्रता का एक भूकंप भी आया। हालांकि दोनों ही आपदाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और विशेषज्ञों का मानना है कि अब ज्वालामुखी विस्फोट का कोई बड़ा खतरा नहीं है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में शिवलेखू ज्वालामुखी का विस्फोट साफ नजर आया। विस्फोट इतना भयंकर था कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने में अब सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। भक्तों में बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड प्रशासन तैयारियों को पूरी करने में जुटा है। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मुंबई मेट्रो से सफर किया। हेमा मालिनी मेट्रो से डीएन नगर तक गई और इस दौरान फैंस में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बिहार के पटना साहिब मेट्रो स्टेशन में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और हाई टेंशन लाइन छूने की कोशिश करने लगा। दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। कानपुर में पुलिस ने तरबूज की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से करीब 300 पेटी अवैध शराब जब्त की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद सत्ताधारी पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई बीजेपी नेताओं के समर्थक प्रदर्शन पर उतर आए, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट में उसके नेताओं का नाम नहीं था। इसी कड़ी में बेलगावी उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल बेनाके के समर्थक विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अनिल बेनाके को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक नाराज दिखे। बेनाके के समर्थकों ने दावा किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादवाद के समर्थकों ने बेलगावी में प्रदर्शन किया। समर्थकों ने महादेवप्पा को रामदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से टिकट न दिए जाने का विरोध जताया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक जगदीश शेट्टार बीजेपी आलाकमान से काफी नाराज दिखे। शेट्टार का नाम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नहीं है, लिहाजा जगदीश शेट्टार दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। शेट्टार टिकट न मिलने से निराश दिखे। उन्होंने पार्टी से दोबारा फैसले पर विचार करने की मांग करते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव पर्सन, सो आई एक्सपेक्ट पॉजिटिव थिंग्स विल बी हैपन।
टिकट नहीं मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने भी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सावदी से बात कर उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करने को कहा। बोम्मई ने कहा कि वो टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के संपर्क में है। वरिष्ठ लीडरशिप युवाओं के लिए मौका देने के लिए, युवाओं को जगह देने के लिए स्वयं प्रेरणा से उन्होंने दूसरों के लिए मौका देने के लिए त्याग किया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी के 21 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 179 उम्मीदवारों की लिस्ट के जरिए वहां के जातिगत और सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में किस किस वर्ग से उम्मीदवार शामिल हैं, हम आपको समझाते हैं। बीजेपी ने 32 ओबीसी, 30 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। टिकट पाने वालों में 9 डॉक्टर्स, 5 वकील और 3 शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 1 रिटायर्ड आईएएस अफसर, 1 आईपीएस और 3 रिटायर्ड सरकारी अफसरों को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवारों में 31 पोस्ट ग्रेजुएट शामिल हैं, जबकि 8 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। 179 उम्मीदवारों की लिस्ट में 52 नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 21 मौजूदा विधायकों के टिकट को काट दिया गया है। 4 दिनों की भारत यात्रा पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिने जापारोवा ने भारत से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री के मोदी के नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का खत भी छोड़ा, जिसके जरिए जेलेंस्की ने युद्ध प्रभावित अपने देश के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता की गुहार लगाई। जबकि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री जापारोवा ने इशारों में भारत से जंग रुकवाने की अपील की। I think that it's about all of us to deal with this, and India as a Vishwa Guru can play a bigger role and a greater role in also this. We also welcome any effort that is directed at resolving the war. We are the most interested country to stop this war. रूसी आक्रमण से कराह रहे यूक्रेन ने भारत के करीब आने की इच्छा जताई। इतिहास को भुलाकर यूक्रेन ने भारत के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखने की बात कही। I'm here with one very important message that Ukraine really wants India and Ukraine come closer. Yes, we have different pages in our history. We had Soviet heritage and there was a different stage of our relations within the Soviet Union. But now my country is gaining its independence. यूक्रेन को भारत की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत का तटस्थ रवैया और रूस के प्रति झुकाव यूक्रेन को रास नहीं आ रहा। इसकी झलक तब देखने को मिली जब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिने जापारोवा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की रूस यात्रा का जिक्र करते हुए तंज कसा। जापारोवा ने कहा कि अजीत डोवल 3 बार मॉस्को आए, लेकिन एक बार भी कीव का दौरा नहीं किया। In Ukraine, all of Ukrainian people are now experts in international relations. They closely watch the comments of different leaders, as well as the Prime Minister Modi, the travels of the National Security Advisor, Mr. Doval, and when he 3 times go to Moscow, of course, it's a matter of question if he would come to Kyiv, and we also will be happy to welcome leaders and officials of India in Kyiv. रूस के व्यापारिक संबंधों पर जापारोवा ने कहा कि ये भारत का फैसला है कि उसे किसके साथ व्यापार करना है, लेकिन जापारोवा ने ये भी कहा कि रूस का किसी भी तरीके से साथ देना ऐतिहासिक भूल से कम नहीं। The message of Ukraine is that there should be consideration of pragmatic approach, and then being with Russia, and we are again very sincere saying so, is actually being at the wrong side of the history. कीव लौटने से पहले यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर भारत को दुश्मनों से सावधान रहने की नसीहत भी दी। वहीं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मिस्र ने रूस का साथ देने का फैसला किया है। मिस्र ने चोरी छुपे रूस को 40,000 से ज्यादा रॉकेट्स देने की तैयारी कर ली है, जिसका खुलासा अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मिस्र रूस को रॉकेट सप्लाई करने का प्लान बना चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसमें रूस को तोपखाने के गोले और बारूद मुहैया कराने के बारे में बात की गई। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति ने इस प्लान को छिपा कर रखने की बात की है, ताकि पश्चिमी देशों के साथ किसी भी तनाव से बचा जा सके। लेकिन अगर मिस्र रूस को रॉकेट की सप्लाई करता है, तो रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचा रहा है, ऐसे में मिस्र और अमेरिका दो पक्षों में बंट जाएंगे और इससे इन दोनों देशों के बीच भी तनाव बढ़ सकता है, जबकि अमेरिका ने इशारों ही इशारों में मिस्र को चेतावनी तक दे डाली है।